दोस्तों ये मेरा न्यू पेट है, इसको रिसेंटली मैंने हरियाणा से बिहार लाया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप भी ट्रेन से अपने डॉग को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, तभी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ट्रेन से ले जाने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड और हेल्थ कार्ड, हो भी या फिर नहीं भी हो चलेगा, बट आप लोग बनवा लीजिए। कोई भी पास में लोकल डॉक्टर हैं तो एक पेपर पे लिखवा लीजिए, बॉडी टेम्परेचर कितना है, हार्ट बीट कितना है और एक्टिव है नहीं है, ये सब आप लिखवा करके साइन करवा लीजिए, बेटर रहेगा। नहीं तो एक वैक्सीनेशन कार्ड भी रखिए एटलीस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि दो तरीके से आप अपने डॉग को एक जगह से दो जगह तक ले जा सकते हो। दोस्तों होता क्या है कि एक आदमी अपने पेट से बहुत ज़्यादा लगाव में रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाता है तो फिर वो नहीं चाहता कि एक डॉग को किसी और के यहाँ पे दे दे और ये डॉग सफ़र करे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि अपने प्यारे से डॉग को अपने घर में ही रखे, अपने साथ ही ले जाए। तो दो तरीके से आप अपने डॉग को ले जा सकते हो। एक तो ये कि डॉग के केबिन में मतलब जो गार्ड होते हैं, गार्ड के केबिन में इसे बांध दो और फिर आप ले जाओ। ये बहुत ही सस्ता है, 200-400 रुपये में आप अपने डॉग को ले जा सकते हो। 400 रुपये का अराउंड टिकट बनेगा और टिकट बनवाने के बाद जो ट्रेन का लास्ट बॉगी होता है उसमें गार्ड होते हैं, तो उसमें आप बांध दोगे और अपने डॉग को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों पहले इस तरीके का सर्विस ऑलमोस्ट ऑल ट्रेन में होता था, लेकिन अब ये बहुत सारे ट्रेन में ख़त्म हो चुका है। जो गार्ड का जो बॉगी था वो बॉगी ख़त्म हो चुका है, अब वो बॉगी ही ख़त्म है। तो अब आप अपने डॉग को लास्ट वाले बॉगी में ले ही नहीं जा सकते हो, क्योंकि पहले जो ट्रेन आता था वो ब्लू कलर का आता था, अब सारा ट्रेन चेंज हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है। मतलब कि पहले जो बॉगी था वो ICF बॉगी था, अब जो बॉगी आ रहा है वो LHB बॉगी आ रहा है। LHB मतलब ये कि ये एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी में ट्रेन है, बहुत ही लाइटर होता है, काफ़ी स्पीड में चलता है और काफ़ी ज़्यादा सामान भी ढो सकता है। तो जिसके वजह से अब सारे ट्रेन को चेंज कर रहे हैं हमारे सरकार, और जितने भी ओल्ड मॉडल के ट्रेन हैं उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ICF वाले ट्रेन में ये सिस्टम होता था, बट अब जो LHB वाला ट्रेन आ रहा है उसमें ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। मतलब आप अपने डॉग को ले ही नहीं जा सकते हो लास्ट वाले बॉगी में। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ट्रेन हैं जिसमें ये सिस्टम अवेलेबल है, आप अपने डॉग को ले जा सकते हो, लेकिन बहुत ही कम ट्रेन अब बचे हैं और ये चीज़ आपको स्टेशन पर जा कर के ही पता चलेगी। जबकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता हुआ करता था, 400-500 में आप अपने डॉग को एक कोने से कहीं भी ले जा सकते थे, लेकिन अब तो ये सिस्टम ही चेंज हो गया है। तो अब दूसरे तरीके से अपने डॉग को ले जा सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, वो AC वाला सिस्टम है, AC फर्स्ट टीयर जो होता है उसमें आप अपने डॉग को ले जा सकते हो। तो उसका कुछ प्रोसीडर है वो आप लोग जान लीजिए। वो ये कि आपके पास कपल सीट होना चाहिए। कपल सीट क्या होता है कि जब भी आप सीट परचेज करोगे या फिर बुक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है कपल सीट, तो आप कपल सीट पे क्लिक करोगे तो आपको दो सीट मिलेगा। कपल मतलब तो आप समझ रहे हो, तो दो सीट आपको वहाँ पे मिलेगा। कुछ चीज़ आप लोग जान लीजिए कि AC फर्स्ट टीयर में ही आप अपने डॉग को ले जा सकते हो। और AC फर्स्ट टीयर में केबिन किस टाइप का होता है, एक तो ऐसा केबिन होता है कि जिसमें केवल दो ही पैसेंजर जा सकते हैं। देखिए इसको कितना एक्टिव है, देखिए देखिए गोली की तरह है ये। दोस्तों कुछ ऐसे केबिन होते हैं जिसमें केवल दो ही लोग जाते हैं और कुछ ऐसे केबिन होते हैं AC फर्स्ट टीयर का जिसमें चार पैसेंजर जा सकते हैं, देखिए इसको। तो दोस्तों आपको कपल वाला बुक करना है, लेकिन आपका जो सीट है वो किसी में भी मिल सकता है। आपने अगर कपल बुक किया है तो आपका सिंगल केबिन में भी मिल सकता है, और एक ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार सीट वाला भी होता है तो उसमें भी आपको मिल सकता है। अगर आपका सीट चार सीटों वाला केबिन में मिल गया तो आप अपने डॉग को नहीं ले जा सकते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कपल सीट बुक करिए और फिर जो स्टेशन है, जस्ट लाइक कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मैं गया था पता करने के लिए, तो
तो देख सकते हो कि मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। एलिना को लाने के लिए गया था, अपना जो न्यू पेट है उसको लाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि कपल सीट आपके पास है तो आपको दो दिन पहले ही जाना है स्टेशन पे, और स्टेशन जो वहाँ पे पार्सल ऑफिसर हैं उनसे जाकर के आपको बात करना है कि मेरे पास एक डॉग है उसको मैं ले जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए और मुझे ऐसा केबिन दीजिए जिसमें केवल दो ही सीट है, कपल वाला सीट है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग उसमें ले जा सकते हो। दोस्तों मैं बता दूं कि न्यू दिल्ली से बिहार लाने का जो खर्चा मेरा पड़ रहा था वो 3500 रुपये का पड़ रहा था, तो दो सीट अगर मैं बाय करता तो 7000 रुपया मेरा लगता, और साथ ही साथ डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड भी लगता और हेल्थ कार्ड भी लगता और 500 रुपये अलग से लगता। कहने का मतलब पूरा अगर हम बात करें तो 8000 रुपये के आसपास मेरा पूरा खर्चा आता इसमें। लेकिन जो मेरा डॉग था उसका वैक्सीनेशन कार्ड मेरे पास नहीं था, हड़बड़ी में जल्दबाजी में मैं कार्ड लेना भूल गया तो मेरे पास कार्ड नहीं था, और 7000 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया एक डॉग को दूसरी जगह से ले जाने के लिए। लेकिन हाँ, मतलब अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है या फिर इशू नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप अपने डॉग को ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरे साथ क्या सिचुएशन था कि वैक्सीनेशन कार्ड मेरे पास था नहीं, इसलिए मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि बस के साथ आया, और बस में मुझे 2000 रुपया लगा। एसी बस था, पूरा मस्त बेड था उसमें, आराम से मैंने सोया और डॉग को ले करके बिहार आ गया। तो तो ट्रेन में जो सिस्टम है ना, कुछ गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए कि कुछ सस्ते में अपने पेट डॉग को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाए। लेकिन पता नहीं कि क्या गवर्नमेंट ने किया कि जो पहले सिस्टम था वो भी सिस्टम को बंद कर दिया गया है। तो जो गार्ड के केबिन वाला था वो तो सिस्टम बंद हो गया है, अब न्यू वाले ट्रेन में नहीं आ रहा है, तो आपको एसी वाले बॉगी में ही ले जाना होगा। तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, और इसी क्रम में मैंने पता किया एरोप्लेन का कि अगर हम एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो क्या खर्चा पड़ता है। तो इसमें मैंने कैलकुलेट किया तो ट्रेन के कंपैरिजन में मुझे सस्ता पड़ा, अगर मैं एरोप्लेन से अपने डॉग को ले जाता तो मुझे सस्ता ही पड़ता, और मैं इसी का प्रोग्राम बना रहा था। बट मेरे पास वैक्सीनेशन कार्ड था नहीं, मैं दिल्ली में स्टे कर गया था एक दिन हरियाणा से आने के बाद, तो 200-300 किलोमीटर फिर जाना, वैक्सीनेशन कार्ड लेके आना, तो मुझे थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम लग रहा था, इसलिए मैंने और एरोप्लेन वाला भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एरोप्लेन से आप कैसे ले जा सकते हो, क्या प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, सिंपल है, इससे कम रुपया भी लग सकता है, बट ये है कि थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, मुझे तो परेशानी हुई थी पता करने में, इधर उधर भागने में। तो आप भी अच्छे तरीके से खाना पीना खाइए और टिकट बुक करिए, कपल सीट पार्सल ऑफिसर के पास जाइए और अपने प्यारे से पेट को अपने साथ ले जाइए और आप लोग इन्जॉय करिए। दोस्तों ये था हमारा प्यारा सा वीडियो, कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।